मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फाइन मैम, एंड व्हाट मॉर्निंग अबाउट मैम, वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा, एंड वी आर मोस्ट वेलकम इन द सेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, एंड दिस इज द चैप्टर अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने देखे कि पिछले क्लास में जो चैप्टर अभी पढ़ा था उसमें हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी थे, आर्टिफिशियल मैन मेड रिसोर्सेज भी थे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी थे। अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। हमारे इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ओनली इंडिया में नहीं, हमारी पूरी अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितने हैं, ओके, क्या कहाँ पर उसका यूज है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आज की क्लास में। आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, ये किसके बारे में है, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। तो अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लैंड के बारे में, यानी कि हमारी अर्थ पे जमीन का कितना भाग है जिसे ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है, या फिर वो किस रूप में, और जहाँ पर मतलब जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, या फिर जहाँ की जमीन उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वहां पर लोग कैसे रहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है सॉइल किस टाइप की है, फिर उसके बाद वाटर, उसके बाद पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि किस किस टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं हर एक पर्टिकुलर एरिया में, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि जो जंगली जीवन है उसके क्या फायदे हैं, कौन से हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, किसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसे प्रोटेक्शन दी गई है, ये सारे चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, आई थिंक ये लेंथी भी होगा काफी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसमें अभी इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से। आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके हर पैराग्राफ से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर है जो इम्पोर्टेंट है, ओके बेटा? तो सभी को ध्यान से सुनना है। यस मैम। देखिए ध्यान से सुनते हो, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है तंजानिया, मांबा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। अब मांबा जो कि अच्छा लड़की है, तो मांबा जो कि एक लड़की है वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाती है, क्यों, उसे पानी भर के लाना है, पानी लाने के लिए जल्दी से उठ जाती है। शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स, तो उसे बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है और कुछ घंटे बाद वो लौट के आती है। फिर क्या होता है, शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स। उसके बाद वो घर आने के बाद अपनी मम्मा की हेल्प करती है जैसे बाकी गर्ल्स करती है, उसके बाद अपने भाई की मदद करती है बकरियां पकड़ने में। ऑल हर फैमिली आउंस इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। अब उसके पूरे परिवार के पास जिस झोपड़ी में वो लोग रहते हैं उस झोपड़ी के अगल बगल रॉकी लैंड है, यानी कि चट्टानी इलाका है, और चट्टानी इलाका है यानी कि यहाँ पर खेती करना भी उतना ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल होगा। मांबा'स फादर कैन बर्डली ग्रो सम मेज एंड बीन्स इन ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। तो जो मांबा के जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद कुछ मक्का और सेम उगा पाते हैं, एंड दिस इज नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये भी इतना ज्यादा नहीं उगा पाते कि उनकी फैमिली का पूरे साल भर, अपनी फैमिली को पूरे साल भर खिला सके। यानी कि अभी देखिए जो तंजानिया है ये एक रॉकी इलाका है और हमें केवल मांबा की स्टोरी दी है, लेकिन वहां पर रहने वाले और भी फैमिली की स्टोरी इसी टाइप की होगी, क्योंकि ये जो भी लोग हैं
चट्टानी इलाकों में फिलहाल खेती करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हमारे इंडिया में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? यस माउंटेन यस माउंटेन एरिया है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम याद है आपको? एरिया मैम हिमाचल प्रदेश एंड यस कश्मीर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड। ये जितने भी इलाके हैं ये पहाड़, यस लद्दाख। लद्दाख तो बिल्कुल डेजर्ट है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये ऐसे एरिया है जहाँ पर खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड तो बिल्कुल नहीं रह सकते, उन्हें कोई और काम करके ही अपनी लाइफ सरवाइव करनी पड़ती है। चलिए तो अभी दूसरे इलाके में आते हैं। अभी हमने पढ़ा है तंजानिया की स्टोरी, यानी कि केवल हमारे इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, देश के और भी काफी सारे पार्ट में, हमारी कंट्री के और भी काफी सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है इस टाइप की। चलिए अभी दूसरी स्टोरी भी है पीटर की। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो पीटर जो कि कहाँ रहता है? शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर दिया है कि हार्ट ऑफ शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का वो इलाका जहाँ पर भेड़ चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। और ये कहाँ पर है हार्ट? तो हार्ट हम लोग क्या बता सकते हैं, मध्य में, बिल्कुल न्यूजीलैंड के सेंटर में। तो न्यूजीलैंड के मध्य में है बिल्कुल ये इलाका, ऐसा इलाका जहाँ पर भेड़े चराई जा सकती हैं। तो पीटर इसी सेम इलाके में रहता है अपनी फैमिली के साथ। इसकी फैमिली वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है, यानी कि जहां पर ऊन ले जा करके उनको साफ करके उससे वूल बनाया जाता है। कॉटन ले जाने के बाद जैसे ऊन वूल निकाल लिया, उसके बाद क्या करते हैं वहां पर जाके उसको फिनिशिंग करके ऊन बनाया जाता है। तो इसकी फैमिली के पास फैक्ट्री है वूल प्रोसेसिंग। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉच्स हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। अब हर रोज जब स्कूल से लौट के आता है पीटर, तो क्या दिखता है कि उसके जो अंकल हैं वो भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, सारे शिप्स की देखभाल कर रहे हैं। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइट ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। अब उनका जो शिप यार्ड है, यानी कि जहां पर वो भेड़ों को रखते हैं, आकृति कहाँ देख रहे हो आप? तो देखिए इनका जो शिप यार्ड है वो कहाँ पर है? एक बहुत ही चौड़े ग्रास लैंड के पास, जो प्लेन इलाका है जहां पर घास ही घास उगी हुई है, ये थोड़ा सा दूर है पहाड़ी की तरफ। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये देखिए जो ये पूरा ग्रास लैंड है जहां पर ये लोग भेड़ों को चरा रहे हैं, जो कि पहाड़ी से थोड़ा दूर में है, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, खेती भी करते हैं, घास उगाते हैं वहां पर, और उसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि हमें पीटर बेल्टू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की फैमिली खेती भी करती है, कौन से मेथड से? ऑर्गेनिक मेथड से। अभी आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? देखिए जो हमारे यहाँ जो फार्मिंग की जाती है, अभी यहाँ पर एक अलग एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को दूसरे फार्मिंग से कैसे अलग करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या विशेषता है मालूम है किसी को? यस नो? चलिए गेस करना है, देखते हैं सही गेस कर पाते हैं या नहीं। यस मुस्कान आप बताएंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? मैम द फार्मिंग इन विच पीपल्स यूज ऑर्गेनिक मैटर ओके अभिषेक यू ट्राई। मैम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग पीपल यूज इंसेक्ट टू मेक द मैन्यूअर फॉर द फार्म। ओके प्राची यू टेल बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? चलिए अनुभव आप बताएंगे। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर यूज ऑर्गेनिक थिंग एंड दे नॉट यूज केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। वेरी गुड। तो
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जहां पर फार्मर्स फर्टिलाइजर, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं केमिकल का यूज करके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनका यूज बिल्कुल भी नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केवल और केवल जो घर पर जो मैनुअल बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, वो यूज होता है। तो जितना भी किचन वेस्ट होता है या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसी का यूज करके खाद बनाई जाती है और उसी से ही फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर कोई भी केमिकल चीजें यूज नहीं। तो जो पीटर की फैमिली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, यानी कि ये लोग कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। चलिए, तो अब मांबा और पीटर की स्टोरी पढ़ी अपनी, और ये भी देखा कि दोनों की लाइफ कंडीशन कितनी डिफरेंट है। तो ये अलग अलग पार्ट में रहते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्से में, क्योंकि अभी एक अफ्रीका में है, दूसरा न्यूजीलैंड में है, और इनकी लाइफ भी अलग है। These differences because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology. तो अब ये difference क्यों है? इसलिए नहीं कि एक गरीब है और एक अमीर है, बल्कि ये difference क्यों है? इसलिए क्योंकि हर जगह पर जो land की quality है, मिट्टी की quality, पानी की मात्रा, या फिर वहाँ के natural vegetation, या फिर वहाँ के animals, ये सारे ही अलग अलग हैं। क्योंकि ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? वहाँ के एटमोस्फेयर पे। जहाँ का जैसा एटमोस्फेयर होगा वहां पर उस टाइप का लैंड पाया जाएगा, सॉइल पाई जाएगी, वैसे ही पानी पाया जाएगा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? ओनली एटमोस्फेयर पे। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और यही कारण है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर जगह पर अलग अलग मिलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में तो ओनली क्या लर्न करना है, लास्ट वाला पैराग्राफ, क्यों अलग अलग कंडीशन क्यों होती है हर जगह। अभी यहाँ आते हैं हम लोग, ये लर्न रखना है आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, डू यू नो, तो अभी इससे पहले नहीं जानते बट आज के बाद जान जाएंगे सभी। तो क्या दिया है देखिए, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे पूरे दुनिया, देखिए तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। यानी कि जो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो उसका 90% जितना लैंडेड एरिया है उसके केवल और केवल 30% एरिया पे ही रहते हैं सभी लोग। यानी कि पूरी दुनिया का 90% जितना लैंड अवेलेबल है, यानी अगर हम पानी को छोड़ दें तो 100 में से 30% लैंड एरिया पे 90% जनसंख्या रहती है और बाकी के 70% पे ओनली 10% लोग रहते हैं। पर इसका कारण क्या है? तो हम रीजन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर एरिया जो है वो लोगों के रहने लायक नहीं है। क्योंकि देखिए अभी माउंटेन रीजन पे काफी कम लोग रहते हैं, या फिर अगर डेजर्ट की बात करें वहां पर भी कम लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारे इंडिया का? क्या अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, यानी कि अगर क्षेत्रफल को देखा जाए, सरफेस एरिया को देखा जाए, तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। वेरी गुड। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि राजस्थान में क्या पॉपुलेशन भी रहती होगी उतनी, मतलब नो मैम सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या यस पॉपुलेशन को लेके नहीं है? क्यों? क्योंकि वहाँ की yes, कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है। तो यही कारण है कि देखिए जितना लैंड एरिया अवेलेबल है उसके 30% पे 90% लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा उनके लिए रहने लायक जमीन है, यहाँ पर सारी उनकी
फैसिलिटी मिल जाएंगी, यहाँ पर वो लोग काम कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में जा सकते हैं, तो उसी एरिया में लोग बसते भी हैं ज्यादा। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये लर्न रखना है। यस, अब आते हैं हम लोग लैंड, क्योंकि सबसे पहला जो चैप्टर में जो स्टार्टिंग हमें करनी है वो लैंड से ही करनी है, लैंड उसके बाद पढ़ना है सॉइल के बारे में। चलिए तो सबसे पहले लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहीं पर खेती भी की जाती है और यही वो एरिया है जहाँ पर हम लोग घर बना के रहते हैं। तो इट्स कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब पूरे अर्थ सरफेस के ओनली 30% पर क्या है? लैंड है। बाकी 70% पे क्या है? यस मैम, वाटर। यस वाटर, वेरी गुड। तो देखिए हमारी अर्थ के 70% एरिया पे वाटर है, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, वाटर का एक चैप्टर था जो yes, यही कारण है कि हमारी अर्थ ब्लू दिखती है स्पेस से देखने पर। तो देखिए 30% एरिया केवल लैंड एरिया है एंड अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। लेकिन इसका पूरा का पूरा हिस्सा हैबिटेबल नहीं है, यानी कि आवास लायक नहीं है, घर बनाने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वैराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, यानी कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम, तो विषम जनसंख्या पाई जाती है, अनइवन है यहाँ पर, हर एरिया में बराबर बराबर लोग नहीं रहते, कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है कहीं पर बहुत कम है। जैसे अभी हम बात करें राजस्थान की तो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, अगर अभी दिल्ली एंड मुंबई की बात करें तो क्या वहां पर भी कम लोग रहते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि फ्लैट बना करके रहते हैं काफी ऊंचे ऊंचे। तो देखिए ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर हर एरिया में क्लाइमेट और वहां की लैंड कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन और लैंड ये दोनों ही अलग अलग है। द रफ टोपोग्राफी स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉन्गिंग डेजर्ट एरिया थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। अब देखिए क्या बताया आपको, जहाँ पर टोपोग्राफी यानी कि जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर ढलाऊ इलाके हैं, माउंटेन मतलब जहाँ पर स्लोप माउंटेन है, या फिर जो इलाके लोलिंग एरिया है, ऐसे एरिया जहाँ पर जो सस्टेनेबल है वो पानी से कि कभी भी बाढ़ आ सकती है कभी भी पानी का लेवल बढ़ सकता है। दूसरे डेजर्ट एरिया, इसके अलावा जो थिक फॉरेस्ट एरिया है जंगल वाले इलाके, ये सारे ही कैसे हैं स्पेशली पॉपुलेटेड यानी कि विरल जनसंख्या वाले जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और बसते हैं, और बजाय इनके जो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज के जो इलाके हैं यानी कि जो प्लेन इलाके हैं और नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र, ये कैसे हैं? सुटेबल लैंड है फॉर एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है और यही कारण है कि यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पाए जाते हैं। तो यहाँ भी अगर हम लोग रिवर वैलीज के आसपास या प्लेन एरिया में देखें तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और जो इलाके तब टॉपोग्राफी पे है स्टीप स्लोप्स पे माउंटेन की स्लोप पे पाए जाते हैं या फिर लो लाइंग एरिया है डेजर्ट एरिया है थिक फॉरेस्टेड एरिया है, ये कैसे है? स्पेशली पॉपुलेटेड है, ये विरल जनसंख्या वाले। तो आप लोगों को ये पहले से भी पता है और अभी ये कन्फर्म भी हो गया है कि हर जगह अलग अलग जनसंख्या क्यों पाई जाती है, कंफर्म हो गया सभी को? यस मैम, यस मैम। ये हो सकता है अभी क्वेश्चन भी पूछा हो इसका। ये यहाँ पर आपको दिया है एक डायग्राम, कहाँ का है? सेल्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पर आप लोग जमीन के यूज देखने हैं, आपको जमीन को किस किस लिए यूज किया गया है। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ यही है। तो जमीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग,
चलिए अभी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के पहले एक बार डिस्कस करते हैं, तो लैंड यूज क्या क्या हो सकते हैं आप लोग बताएंगे, हम लोग लैंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मैम फॉर एग्रीकल्चर, फॉर मेकिंग, फॉर लिविंग, रेसिडेंस। स्टॉप स्टॉप, अभी जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे। यस अनुराग, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको बताना है। यस अनुराग। यस मैम। यस बेटा, लैंड यूज बताना आपको, कहाँ पर हम लोग लैंड यूज के दो एग्जांपल देंगे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लैंड को। Ma'am, land is used for different purposes such as for agriculture and for making houses. Okay, good. Yes, चलिए अभी उत्तर आपको बताने हैं। Yes, उत्तर, land use किस किस लिए किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। Land use in different purposes like a building, house, road. Ratnesh, you tell. Lands are used in different ways such as making industries, roads and many other things. Mam, shops, malls. Yes, Muskan, you tell. Mam, land is used for agriculture, making buildings, factory and for growing crops. चलिए तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या क्या यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के लिए यानी कि जंगल है, जंगल से हमें चीजें मिलती है लकड़ियाँ वगैरह। माइनिंग के लिए, क्योंकि जितनी भी चीजें मिलती हैं खनिज वगैरह, मिनरल्स जो है वो हमें खनन करने के बाद ही मिलते हैं, खुदाई करने के बाद। उसके अलावा बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, लैंड। तो ये सारे यूजेस हैं लैंड के। इस पिक्चर में फिलहाल घर दिख रहा है, बना हुआ है, फैक्ट्रियां दिख रही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। तो ये जितनी भी चीजें हैं जहाँ पर भी लैंड यूज दिखता है उसे हम क्या कहेंगे, भूमि का उपयोग, कहाँ कहाँ हम लोग लैंड यूज करते हैं। तो कैन यू लिस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच मामाज एंड टीचर्स फैमिली यूज देयर लैंड। चलिए अभी आपसे पूछा है मामा और मामा एंड पीटर की फैमिली जमीन का इस्तेमाल किस किस पर्पस के लिए कर रही थी। चलिए प्रशांत आप बताएंगे, मामा की फैमिली के थ्रू कॉल लैंड यूज किस पर्पस से किया जा रहा था। अभिषेक, यू टेल। फॉर एग्रीकल्चर, एंड ग्रोइंग वेजिटेबल विदाउट ऑर्गेनिक मैटर्स। ओके, यस, गुड। प्राची, नाउ यू टेल, पीटर की फैमिली के द्वारा, पीटर की फैमिली लैंड यूज कैसे कर रही थी। मैम फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड शिप रेयरिंग के लिए भी, तो वो भेड़ों को चला रहे थे वहां पर। एंड दूसरा, यस मैम, उन्होंने एक फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश की थी, फैक्ट्री लगाई थी वुल प्रोसेसिंग की, उसके भी लिए जमीन चाहिए थी। चलिए तो अभी अलग अलग लैंड यूज है, मतलब जिस भी कारणों से हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, लैंड यूज। सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं पार्क में तो वो भी लैंड यूज है, क्योंकि वहां पर जाके हमें फ्रेश एयर मिलती है। चलिए तो ये अभी हमने क्या पढ़े थे, लैंड यूज। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
अब ये जो लैंड यूज है कि कहाँ के लोग किस पर्पस से लैंड यूज करते हैं, ये भी कैसे पता लगता है, वहां के फिजिकल फैक्टर से, टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितनी मात्रा में, ये सारी चीजें हैं, किस टाइप का क्लाइमेट है, कैसी मिट्टी है, कैसी जमीन है, कितने खनिज पाए जाते हैं, तो यानी कि लैंड यूज पे उस लैंड यूज भी उसी पे डिपेंड होगा। जैसे भी मान लीजिए कि जहाँ की मिट्टी ज्यादा बेटर है, पानी मिल जाता है प्रॉपरली, तो वहां के लोग किस पर्पज से लैंड यूज करेंगे, खेती के लिए। जहाँ पर मिनरल्स ज्यादा है तो यानी वहां पर ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, ज्यादा वर्कर्स रखे जाएंगे, तो ज्यादा लैंड यूज किसके होगा, फैक्ट्रियों के लिए। तो ये मतलब लैंड यूज किस पर्पज से किया जा रहा है, ये कौन डिटरमाइन करता है, वहां के फिजिकल फैक्टर। ओके, तो अब नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब वहां पर ह्यूमन फैक्टर यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वहां के लोग, ये भी लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं। यानी अभी कितने ज्यादा टेक्निकल है वहां के लोग एंड पॉपुलेशन कितना है, तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन है दैट मींस की ज्यादातर लोग फ्लैट बिल्डिंगें ही बनती होंगी, ज्यादा फैक्ट्रियां होंगी कि उन मजदूरों को काम पे रखा जा सके। तो यानी कि वहां पर लैंड यूज एग्रीकल्चर पर्पज से नहीं किया जाएगा, फैक्ट्रियों को लगाने के लिए किया जाएगा। तो ये दोनों चीज है, यानी कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों भी डिटरमाइन करती है कि वहां पर लैंड यूज किस पर्पज से किया जाएगा। चलिए भी आगे दिया है हमें, लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब जमीन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि देखिए एक जमीन होती है आपकी खुद की प्राइवेट लैंड एंड दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। यानी कि देखिए जो घर है उसमें आप किसी को भी आने से रोक सकते हैं क्योंकि वो आपका प्राइवेट है, बट अगर अभी आप पार्क में चले जाओ और उसके गेट पे खड़े हो जाओ, कहो हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं कर सकते ऐसा। तो वो कम्युनिटी लैंड है और वो सबके लिए खुला है, लेकिन जो आपका हाउस है जहाँ पर आप लोग रहते हैं वो आपका प्राइवेट लैंड है, वो आपकी प्राइवेट जमीन है, आप उसको किस चाहे तो आने देंगे, नहीं चाहे तो नहीं आने देंगे। तो प्राइवेट लैंड कौन से होते हैं? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर एज द कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। तो प्राइवेट लैंड यानी हमारे खुद के हैं, उसको हम खुद यूज करेंगे, और कम्युनिटी लैंड जो कम्युनिटी के लिए है, जिसे कॉमनली सब लोग यूज करेंगे। जैसे भी एग्जाम्पल दिया है, कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो अभी देखिए पार्क है या फिर जंगल है जहां से हमें पाउडर मिलता है या फिर फल मिलते हैं या फिर नट्स या फिर मेडिकल हर्ब्स मिलते हैं, तो वो कम्युनिटी लैंड है और वहां पर जितनी चीजें पाई जाएंगी वो भी क्या होंगी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ओके, यस मैम, यस मैम। अभी आज इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। लैंड यूज देखना है अभी और उसके बाद ये पढ़ना है कि लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। चलिए, तो अभी आज आप लोगों ने जितना पढ़ा है, अभी आज आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। कर लेंगे सभी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसको एक बार रिवाइज करना है फिर से, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बेटा, यस मैम, फ्रेंड, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय मैम, गुड बाय।